हेलो, वेलकम यू ऑल इन किरोशन नर्सिंग एकेडमी। आज हम कुछ गोल्डन पॉइंट लेके आए हैं जो कि एक तरह से की पॉइंट है और बहुत ही मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी टंग इज द फीचर ऑफ स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्ट्रॉबेरी टंग होता है वो कौन सी डिसीज का फीचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो उसका स्ट्रॉबेरी टंग जो पेशेंट में कौन सी ऐसी डिसीज होती है जिससे उसकी टंग होती है वो स्ट्रॉबेरी कलर की हो जाती है, तो किसमें होती है? स्कारलेट फीवर। स्ट्रॉबेरी टंग किसमें होती है? स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट, कौन सा टेस्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी टेस्ट टंग जिसमें होती है उसमें? डिक टेस्ट। तो स्कारलेट फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आंसर है डिक टेस्ट। स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट, इसमें टेम्परेचर कितना होता है? स्कारलेट फीवर में टेम्परेचर मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है। तो स्कारलेट फीवर से रिलेटेड जो 4 की पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग इज अ फीचर ऑफ द स्कारलेट फीवर। इसमें स्कारलेट फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? डिक टेस्ट करते हैं। स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। स्कारलेट फीवर में टेम्परेचर कितना होता है पेशेंट का? तो मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज प्रायोरिटी ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑलवेज। अपन ने हर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नर्सिंग की हर ईयर में और आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अपन याद रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है या वार्ड में पेशेंट अपन असेसमेंट करते हैं तो ए बी सी सुना होगा। ठीक है, ए बी सी एयरवे। फर्स्ट में अपन को एयरवे को कंसीडर करना है, सेकंड ब्रीथिंग, थर्ड सर्कुलेशन। ठीक है, फर्स्ट में अपन को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट अपन को एयरवे कंसीडर करना है, सेकंड ब्रीथिंग, थर्ड सर्कुलेशन। फीवर क्वेश्चन सीधा यह है कि डाइकोटिज्म कौन से फीवर में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सीधा टाइफॉइड फीवर। जो टाइफॉइड फीवर है उसमें जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो डाइकोटिज्म होती है। अब अपन को जाना है पहले तो टाइफॉइड फीवर कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? साल्मोनेला। टाइफी, फिर इसमें ए और बी आता है फर्दर, लेकिन मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछे तो आंसर करना है साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे 2 के आंसर हो गए। अब मीनिंग समझना है डाइकोटिज्म क्या है। डाइकोटिज्म क्या हो सकता है? वन हार्ट बीट, एंड टू पेरिफेरियल पल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आए डाइकोटिज्म से रिलेटेड, डाइकोटिज्म इज अ फीचर ऑफ विच फीवर, आपको आंसर करना है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? साल्मोनेला टाइफी। जो डाइकोटिज्म क्या है उसके बारे में, तो वन हार्ट रेट और टू पेरिफेरल पल्स को डाइकोटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन है, जो एलिमेंट्री ट्रैक होती है उसे अदर नेम क्या है? एलिमेंट्री ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? इसको जीए ट्रैक बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये जो भी गोल्डन पॉइंट है ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको मेक श्योर करना यही जो क्वेश्चन है इजी वाले वो ही मेरिट बनाते हैं। तो अपन ऐसे गोल्डन पॉइंट को कवर करेंगे, उससे हर पॉइंट से रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है अपन चारों ओर से उसको कवर करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन मिस होने की संभावना नहीं रहे। ठीक है, 4 का अपन ने आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो ये सेल्स है बोन मेरो की, ऑस्टियोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। ये बोन को बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्लास्ट पढ़िए, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सी से कैंसल और डिस्ट्रॉय, बोन को खत्म करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय द बोन, बोन डिस्ट्रक्शन। बी से ये बनाता है, सी से ये डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। ऑस्टियोब्लास्ट याद रखना है, ऑस्टियोब्लास्ट बी से बनाता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ द बोन, ऑस्टियोक्लास्ट सी से कैंसल और डिस्ट्रक्शन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, टर्मिनोलॉजी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, लैरिंक्स इज नोन एज, लैरिंक्स इज नोन एज, तो इसका सीधा आंसर है लैरिंक्स को दूसरे नाम के इससे जाना जाता है, वॉइस बॉक्स, अपन जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गन है? लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्फेक्शन इज द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, आपने सुना होगा ऑल्फेक्शन इज द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, तो अपन इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है, तो ये चार स्टेप्स है, इसके अलावा एक फिफ्थ स्टेप है उसे ऑल्फेक्शन भी बोलते हैं। ये यूजली किसमें होता है? डायबिटिक किटोसिडोसिस, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ऑल्फेक्शन की टेक्निक कौन सी डिसीज को असेसमेंट के लिए यूज होती है, तो कौन सी? डायबिटिक किटोसिडोसिस, ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में एक्सप्लेन करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ द सोमेटिक टिश्यू, जब सोमेटिक टिश्यू का डैमेज होता है तो जो पेन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका नेम क्या है? तो नोसिसिसेप्टिव, कौन सा पेन? नोसिसिसेप्टिव, याद रखना, सोमेटिक टिश्यू के डैमेज से जो पेन होता है उसे बोलते हैं नोसिसिसेप्टिव पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोट लेडन क्रिस्टल इन स्पुटम आर सीन इन, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पुटम क्रिस्टल कलर, क्रिस्टल चार एज ए क्रिस्टल चारकोट लेडन कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, ठीक है, तो कौन सी स्पुटम में मेनली कौन सी डायग्नोसिस में होता है? ब्रोंकियल अस्थमा। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि ये बहुत ही टिपिकल और की पॉइंट है, बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्पिस, मैक्स मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन पेपर में ये आया है, होस्पिस क्या है? केयर ऑफ द पेशेंट, ऑफ पेशेंट दोज आर टर्मिनली इल, जो पेशेंट टर्मिनली इल है, या फिर कौन सा केयर बोल सकते हैं? पालिएटिव केयर, जिसकी डेथ निश्चित है, जिसकी मौत को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन उसके पेन को कम कर सकते हैं और उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, जिसको मेनली टर्म बोलते हैं हॉस्पिस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन डिसीज क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर एंड ब्रेन। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉपर इन लीवर एंड ब्रेन, जो कॉपर जो एलिमेंट है वो लीवर और ब्रेन में वो पाया जाता है ज्यादा क्वांटिटी में, इससे क्या होगा? विल्सन डिसीज हो जाएगी। क्या होगा? विल्सन आपके लिए टर्म न्यू होगा, लेकिन याद रखना है कॉपर
डब्ल्यू सी विल्सन डिसीज, याद रखना है एकुमुलेशन, जब दिमाग और लीवर में कॉपर जमा हो जाता है उसे बोलते हैं विल्सन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क लाइक फिसिस इज टिपिकली फीचर ऑफ, यहां मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन बनाए हैं जो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, मास्क लाइक फिसिस एंड इसको बोलते हैं, इसलिए मैंने सेम नाम रखा है, यहां पे चेंज कीजिए मून लाइक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मास्क लाइक फिसिस इज ए टिपिकल फीचर ऑफ, कौन सी कंडीशन में मास्क लाइक फिसिस होता है, पार्किंसन डिसीज। कौन सी कंडीशन में, पार्किंसन डिसीज में। नेक्स्ट यहां पे मास्क को कट के मून लाइक फिसिस क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, मास्क लाइक फिसिस, पार्किंसन डिसीज, मून लाइक फिसिस, कुशिंग सिंड्रोम। किसमें, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेसिव मात्रा में रिलीज होता है तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। और ये पार्किंसन सिंड्रोम क्यों होता है, डोपामाइन की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्किन ग्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अपन प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्किन ग्राफ्टिंग यूजली टू टाइप की होती है, होमोग्राफ्ट और हेटरोग्राफ। सीधे टर्म में बोले होमोग्राफ्ट मतलब सेम प्रजाति सेम स्पीसीज से जब अपन स्किन टिश्यू लेते हैं और दूसरे को ग्राफ करते हैं उसे होमोग्राफ बोलते हैं। हेटरोग्राफ एनिमल से लेते हैं और ह्यूमन को ट्रांसफर करते हैं वही स्किन, उसे बोलते हैं हेटरोग्राफ। तो ऑटोग्राफ क्या है, सेम पर्सन, ठीक है। जैसे ए पर्सन है तो ए कोई, जैसे थाइस की स्किन को चेस्ट पे लगाना, ठीक है, अप्लाई करने को क्या बोलते हैं, ऑटोग्राम्स। ट्रांसफर ऑफ द स्किन टिश्यूज टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति में स्किन टिश्यू का इधर एक प्लेस से दूसरी जगह पे उसे अप्लाई करना को बोलते हैं ऑटोग्राफ। नेक्स्ट है ऑलोग्राफ्ट, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज मतलब एक ही प्रजाति के लोग, लाइक मेरे जो स्किन टिश्यू है अगर आपको जरूरत है और आपको मेरे स्किन टिश्यू ट्रांसफर करने को बोलते हैं ऑलोग्राफ्ट। आई होप कि ह्यूमन ही वीडियो देख रहे होंगे, है ना, तो ऑलोग्राफ्ट क्या है, सेम स्पीसीज। नेक्स्ट है जीनोग्राफ, जीनोग्राफ क्या आपको पता होगा, लाइक चिंपांजी टू ह्यूमन, फिश टू ह्यूमन, यूजली बर्न्स में यूज किया जाता है। तो अदर स्पीसीज अदर प्रजाति के स्किन टिश्यू को ह्यूमन में ग्राफ्ट करना को बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, ठीक है। सेम पर्सन होना चाहिए, सेम स्पीसीज सेम प्रजाति होने चाहिए, इसमें जीनोम में क्या है, किसी का भी दूसरी प्रजाति का भी ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्किन ग्राफ्टिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबीजी का से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिटल एसिलरेशन एंड डिसिलरेशन। पहले तो वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो फिटस होता है प्रेग्नेंट वुमन जब उसकी जो डिलीवरी का टाइम होता है, जब कॉन्ट्रेक्शन आते हैं जब उसे, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन के बारे में तो आपको पता होगा, जब उसे कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो क्या होगा, जो फिटस है उसकी हार्ट रेट अप एंड डाउन होगी, अप होगी मोर देन 160 बीट्स पर मिनट, उसे बोलते हैं एसिलरेशन मोर देन, ठीक है। लेस देन 120 बीट्स पर मिनट को क्या बोलते हैं, डेसिलरेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया, एसिलरेशन क्या है, डेसिलरेशन क्या है। अभी क्या है, कुछ कंडीशन, इसमें चार क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको नेमोनिक बता देता हूं, एक याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला, विल चॉप, कौन सा, विल चॉप, ठीक है। पहला है विल वेरिएबल डेसिलरेशन, ठीक है। वेरिएबल डेसिलरेशन कौन सी कंडीशन में होगा, जो उसका वेरिएबल मतलब 120 कभी
और डाउन हो जाता है, अप डाउन मतलब चेंजेस होता रहता है। वेरिएबल डिसेलरेशन कौन सी कंडीशन में होता है, तो कौन सी कंडीशन इसे बोलते हैं, वी में से लिया वेरिएबल डिसेलरेशन, ठीक है। सी से क्या लिया, कौन सी कंडीशन, जब कॉर्ड कंप्रेशन, जब फिटस से अम्बेलिकल कॉर्ड से जो जुड़ा होता है, जब कॉर्ड कंप्रेस होती है तो क्या होता है, वेरिएबल डेसिलरेशन अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अर्ली डेसिलरेशन, अर्ली डेसिलरेशन कौन सी कंडीशन में होता है, एच, एच से अपन देखेंगे हेड कंप्रेशन। मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझना, इसको कितना भी रट्टा मार लो याद करना मुश्किल है, ये मेनोमिक है, निमोनिक से ही अपन याद कर सकते हैं। वी से हो गया वेरिएबल डेसिलरेशन, सी से हो गया कोड कंप्रेशन, मतलब ये कोड कंप्रेशन जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो होता है वेरिएबल डेसिलरेशन। ई से हो गया अर्ली डेसिलरेशन, अर्ली डेसिलरेशन यहाँ पे एच है निमोनिक में, तो हेड कंप्रेशन में क्या देखने को मिलेगा अपन को, अर्ली डेसिलरेशन। अभी ए से अपन को देखने को क्या मिलेगा, एसिलरेशन, क्या देखने को मिलेगा, एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन कौन सी कंडीशन में होगा, तो ओ, ओ मींस ओके, ठीक है, ये कंडीशन ओके ठीक है, इसमें अपन को ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी, क्या ओ टू, पेशेंट को क्या है ओ टू स्टार्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट क्या है, एल, लेट एसिलरेशन, लेट एसिलरेशन किसकी वजह से होता है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण लेट एसिलरेशन होता है, यह चीज याद रखना। यहां पे हो गया वी ई ए एल, विल, सी एच ओ पी, ये एक निमोनिक है इजी से याद करने का, ताकि यहां से क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बन सकते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में आए हैं, तो याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, निट्राजाइन पेपर इज यूज टू टेस्ट, निट्राजाइन पेपर क्या टेस्ट करने के लिए यूज में होता है, तो ये यूजली क्या, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, क्या किसके लिए, एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक फ्लूइड के लिए निट्राजाइन पेपर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज, ये जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है ये यूजली किसमें दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन जो अल्कोहलिज्म होता है, जो पेशेंट ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें होता है, क्योंकि उसमें विटामिन बी वन थायमिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, डंपिंग सिंड्रोम से रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डंपिंग सिंड्रोम किसमें देखा जाता है, गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी के दो टाइप है, बिलरोथ वन, बिलरोथ टू, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड। बिलरोथ फर्स्ट क्या है, गैस्ट्रो डियोडिनोस्कोपी, और बिलरोथ टू क्या है, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, ठीक है। बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड, इसमें क्या है, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द फूड एंड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द जेजुनम, उसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ फूड इनटू जेजुनम, उसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट, पेडिग्री, अभी पेडिग्री के बारे में आप सुनोगे तो वो जो डॉग्स को लाइक कुत्तों को खाने की जो चीजें होती है उसे पेडिग्री बोलते हैं, लेकिन पेडिग्री अपने टर्मिनोलॉजी में इसमें होता है कि जब वो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, आप सबने अपने क्लिनिकल एकेडमिक ईयर में जब आप पढ़ रहे होंगे कोर्स, जब हिस्ट्री टेकिंग करते हो
तो उसमें एक फैमिली स्ट्रक्चर बनाते हो कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे बनाते हैं। यह स्ट्रक्चर मेल का है, ये फीमेल का है, कितने बेबी हैं, टू डॉटर बेबी है तो टू डॉटर, ठीक है, मेल फीमेल डॉटर डॉटर, ठीक है। तो इस फैमिली स्ट्रक्चर को के बारे में जानकारी देने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं पेडिग्री, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपनोन्यूरोसिस, एपनोन्यूरोसिस क्या है? ये सब एक तरह से इंजरीज, जब इंजरीज होती है तो उसको कुछ टर्मिनोलॉजी दी है कि कहां पे इंजरी हुई है। इसमें जब जॉइंट होते हैं कौन सा ऑर्गन किससे अटैच है, लाइक टू मसल, मसल टू मसल, जब एक मसल दूसरे मसल से जुड़े होते हैं इसे बोलते हैं एपनोन्यूरोसिस, ठीक है। दूसरा है जो मसल रहता है वो बोन से जुड़ा है, किससे, टेंडन, क्या करते हैं एक मसल को बोन से जोड़ के रखते हैं उसे बोलते हैं टेंडन। और लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं, दोनों बोन को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों, एक मसल दूसरे मसल से किस तरह जुड़ा होता है, कैसे कॉन्टेक्ट करता है उसे बोलते हैं एपनोन्यूरोसिस। जब मसल बोन से अच्छे तरह से टाइट होके फिट है उसे बोलते हैं टेंडन। दो बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है वो किसके सहारे से जुड़ी बोलती है, लिगामेंट, ठीक है, इसलिए बोलते हैं जब इंजरीज होती है, लिगामेंटल इंजरी है, टेंडन इंजरी है, आपका एपनोन्यूरोसिस इंजर्ड है, तो जब मसल इंजरी होता तो ये टर्मिनोलॉजी जो देखा ये इंजरी है एपनोन्यूरोसिस। जब मसल बोन से अटैच है और वहां पे इंजरी हो जाए तो उसे बोलते हैं आपके टेंडर में इंजरी है, कोई लिगामेंट, आपका लिगामेंट टियर हो गया है, लिगामेंट फट गया है, यूं बोलते हैं। क्यों, आपका जब लिगामेंट, दो बोन को जब लिगामेंट को जोड़ता है ओवर, मतलब एक तरह से ज्यादा आपका पैर मूव हो गया, हाथ ज्यादा मूव हो गया, तो जो लिगामेंट है वहां पे टियर हो जाता है और फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरबीसी इज द ओनली सेल इन द ह्यूमन बॉडी विच डोंट हैव, इसका आंसर आप दे सकते हो, एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ब्लड में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है वो एकमात्र ऐसी कोशिका है बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्या इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये चीज अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना है जिसमें टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, अफोनिया, अफोनिया क्या है, ए मींस एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ, फोनिया, फोन में क्या होता है वॉइस, एब्सेंस ऑफ वॉइस, एब्सेंस ऑफ वॉइस को क्या बोलते हैं, अफोनिया, एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर अनेबल टू एक्सप्रेस सेल्फ, न अपने बारे में न बोल सकता है, न कोई डिटेल कर सकता है, या अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं अफेसिया। नेक्स्ट अफेजिया, एब्सेंस ऑफ स्वॉलोइंग, जब कोई चीज फूड या भोजन को स्वॉलो भी अंदर नहीं उतार सकता उसे बोलते हैं टर्म को अफेजिया। अटैक्सिया, एब्सेंस टू मेंटेन गेट, ये पार्किंसन डिसीज, और उसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए एक जगह पे गेट खड़ा भी नहीं रह सकता है, लाइक वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अफेकिया, अफेकिया किसमें पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ लेंस, एब्सेंस ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं, अफेकिया, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, अपन ने कुछ गोल्डन पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में सब पॉइंट आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बहुत ही जल्द एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसके द्वारा अपन सब अच्छे से वीडियोस, जो
शॉर्ट फॉर्म है, मिनोमिक है, उसके बारे में सब डिटेल उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ टेस्ट पेपर भी के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत जल्दी अपन एक अच्छे तरीके से किरेशन नर्सिंग एकेडमी का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।